हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आई क्लास के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। फ्रेंड्स, आई क्लास के द्वारा 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर असिस्टेंट सिक्योरिटी की पोस्ट जारी की गई है। फॉर्म फिल करने से पहले हम शॉर्ट में एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। ये आई क्लास यानी कि AAI कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड का नोटिफिकेशन है, जो कि 18/10/2023 को जारी किया गया है। यहाँ पर जो असिस्टेंट सिक्योरिटी की पोस्ट जारी की गई है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, जो कि 3 साल का है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 436 हैं और आपकी पोस्टिंग किस जगह पर होगी, यहाँ पर वो पोस्टिंग जगह दी हुई है। इन प्लेस के अलावा आपको ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 15 नवम्बर 2023 है। इसके लिए जो एप्लीकेशन फीस है, जनरल और OBC के लिए ₹500 है, ST, SC, EWS और वुमेन कैंडिडेट के लिए ₹100 है। असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कट ऑफ डेट है वो 1/10/2023 है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 12th क्लास पास होना चाहिए 60% मार्क के साथ, और यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके कम से कम 55% होने चाहिए, यानी कि 5% की छूट दी गई है। और साथ ही आपको इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 27 वर्ष है। यहाँ पर असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए क्या जॉब प्रोफाइल है, यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए क्या टेन्योर है, 12th क्लास परसेंटेज के अनुसार आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। शॉर्टलिस्ट के बाद आपको इंट्रक्शन के लिए बुलाया जाएगा। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। यदि आपका वर्क सही है तो आपको 2 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, और यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष का। असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए क्या वेतन भत्ते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए ₹21,500 है, जो कि फिक्स्ड है, और सेकेंड ईयर के लिए ₹22,000 है, जो कि फिक्स्ड है, और थर्ड ईयर के लिए ₹22,500 है। इनके अलावा ये सभी अलाउंस भी दिए जाएंगे। यदि आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। ये आई क्लास का अप्लाई पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आपकी मोबाइल स्क्रीन सेम कंप्यूटर स्क्रीन के जैसी शो होगी, जिससे आपको फॉर्म फिल करने में आसानी होगी। यदि आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए न्यू यूजर रजिस्टर हेयर पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर करना है। इसके बाद आधार कार्ड अपलोड करें। आधार कार्ड आप JPG या PDF दोनों ही फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इसका जो फाइल साइज है वो 20 KB से कम होना चाहिए। आधार कार्ड अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, आधार कार्ड सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। आधार कार्ड अटैच करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना नेम इंटर करना है। फुल नेम इंटर करें। यहाँ पर आप email ID इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड की जो लेंथ है वो कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें से एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक नंबर होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करें। इसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करें। क्या आपके पास पैन नंबर है? यदि आपके पास पैन नंबर है तो यहाँ पर एस सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर पैन नंबर इंटर करें और यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करें। यदि आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करें। क्या आपके पास पासपोर्ट है? यदि है तो यहाँ पर एस सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट नंबर इंटर करें और यहाँ पर पासपोर्ट को अपलोड करें। यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करें। इसके बाद कैप्चा फिल करें। यहाँ पर जो कैप्चा कोड शो हो रहे हैं उसे यहाँ पर इंटर करना है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको अपने अकाउंट को email ID से वेरीफाई करना है। email ID ओपन करें। इस तरीके से आपको मेल प्राप्त होगा, जिसे ओपन कर लेना है। email ID वेरीफाई करने के लिए क्लिक हेयर पे क्लिक करें। आपकी email ID वेरीफाइड हो चुकी है। अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको अपनी email ID इंटर करना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल किया है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड इंटर करना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्रिएट किया है।
इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करना है जो यहाँ पर शो हो रही हैं। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। यदि आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं और आपको पासवर्ड भूल गया है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको पेज को स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी की पोस्ट शो हो रही है, इसके सामने अप्लाई पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 4 स्टेप कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपकी पोस्ट शो होगी। अब यहाँ पर आप पर्सनल डिटेल्स फिल करें, फर्स्ट नेम इंटर करें। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। इसके बाद मिडिल नेम इंटर करें और यहाँ पर लास्ट नेम इंटर करें। यदि आपके नेम में लास्ट नेम नहीं है, मिडिल नेम है, तो आप लास्ट नेम में मिडिल नेम इंटर करें। यदि आपके नेम में मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ पर आप फादर का फुल नेम इंटर करें और यहाँ पर मदर का फुल नेम इंटर करें। जेंडर ऑलरेडी सिलेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करें, इसके बाद मंथ सेलेक्ट करें, इसके बाद डे सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपकी एज काउंट शो होगी। यदि आपके पास एक से अधिक मोबाइल नंबर है तो आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर पर इंटर कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। अब यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसे यहाँ पर फिल करें। यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को टिक करें। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो आप इसे अनटिक ही रहने दें और यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करें। इसके बाद कंट्री इंटर करें, यहाँ पर स्टेट इंटर करें, इसके बाद सिटी इंटर करें और यहाँ पर आप अपना पिन कोड नंबर इंटर करें। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है उसे आप सिलेक्ट करें। नेशनलिटी सिलेक्ट करें, इसके बाद रिलीजन सिलेक्ट करें, आपका जो भी धर्म है उसे सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करें। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको सब कैटेगरी भी सिलेक्ट करना है। आप क्रीमी लेयर से हैं या नॉन क्रीमी लेयर से हैं। यदि आप सब कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की भी डिटेल्स देनी है। यदि आप SC ST या फिर EWS कैंडिडेट हैं, यहाँ पर भी आपको सेम डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर आप अपना विलेज या टाउन नेम इंटर करें, यहाँ पर पिन कोड इंटर करें और यहाँ पर आपको अपना जिला इंटर करना है, यहाँ पर स्टेट इंटर करना है और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर इंटर करना है और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की भी डिटेल्स सिलेक्ट करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया है, यहाँ पर अथॉरिटी नेम इंटर करना है, जैसे कि SDO, तहसीलदार, SDM आदि। यदि आप OBC के नॉन क्रीमी लेयर से हैं, यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपकी जो बैकवर्ड क्लास है वो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ पर आपको S सिलेक्ट करना है। क्या आपका कास्ट सर्टिफिकेट आज की डेट में वैलिड है, यहाँ पर आपको S सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स फिल करनी है। मदर टंग यानी कि मातृभाषा इंटर करें, जैसे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम यहाँ पर हिंदी इंटर करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में इंटर करना है और यहाँ पर वेट KG में इंटर करना है। यदि आपको अपना हाइट और वेट मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट इंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पैन नंबर इंटर करना है, यह कंपलसरी नहीं है, और यहाँ पर पासपोर्ट नंबर इंटर करना है। यदि आपके पास है तो इंटर करें, यदि नहीं है तो आप इसे भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं। क्या आप EX सर्विसमैन हैं, यदि हैं तो S सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्विस की डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आपको सर्विस की डिटेल्स, नेम, लास्ट ऑफिस और सर्विस ईयर इंटर करना है और यहाँ पर आपकी लास्ट पोस्टिंग क्या थी, यहाँ पर पोस्ट इंटर करना है। आपको पोस्ट से कब रिलीव किया गया है, यहाँ पर डेट सिलेक्ट करना है। यदि आप EX सर्विसमैन नहीं हैं तो आप नो सिलेक्ट करें। यदि आप पुलिस सर्विस में हैं तो यहाँ पर आपको S सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस सर्विस का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो PDF, JPG, JPEG या PNG किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं और इसका जो फाइल साइज है वो 2 MB से कम होना चाहिए। यदि आप पुलिस सर्विस में नहीं हैं तो आप नो सिलेक्ट करें। क्या आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU या फिर ऑटोनोमस बॉडी में कार्यरत हैं, यदि हैं तो यहाँ पर S सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। NOC के लिए भी सेम गाइडलाइंस है। यदि आप कार्यरत नहीं हैं तो आप नो सिलेक्ट करें। यदि आपके पास कोई भी क्रिमिनल एलिगेशन पेंडिंग है या फिर FIR है, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स देनी होगी। यदि आपका कोई भी केस पेंडिंग है तो यहाँ पर S सिलेक्ट करें।
इसके बाद यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इसके लिए भी सेम गाइडलाइंस है। यदि आपका कोई भी केस पेंडिंग नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करें। यदि आपका कोई भी रिलेटिव आई क्लास में वर्किंग है तो यहाँ पर उस रिलेटिव की डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर उसका नेम इंटर करें, यहाँ पर डेजिग्नेशन यानी किस पोस्ट पर है उसको पोस्ट इंटर करें, और यहाँ पर कंपनी या ऑफिस इंटर करना है, और यहाँ पर रिलेशन इंटर करना है। यदि एक से अधिक रिलेटिव है तो यहाँ पर एड न्यू पे क्लिक करेंगे और उस रिलेटिव की भी डिटेल्स एड करेंगे। यदि आपका कोई भी रिलेटिव आई क्लास पे वर्किंग नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। आपकी पर्सनल डिटेल्स सेव हो चुकी है, अब आपको एजुकेशनल डिटेल्स फिल करना है। कोर्स सेलेक्ट करें, यहाँ पर आपको 10th क्लास सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने 10th क्लास कब पास किया है, पासिंग डेट सेलेक्ट करें। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करें, इसके बाद मंथ सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इंटर करना है, यानी कि आपको अपना बोर्ड नेम या फिर स्कूल नेम इंटर करें। यहाँ पर आप 10th क्लास के सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन इंटर करें। यहाँ पर आप ऑल जनरल सब्जेक्ट इंटर कर सकते हैं। आपका 10th क्लास का क्या ड्यूरेशन रहा है, आपको यहाँ पर ड्यूरेशन इंटर करना है। इसके बाद आपको इस स्क्रोल बार को स्क्रोल करना है और यहाँ पर आपको परसेंटेज या ग्रेड इंटर करना है। आपके 10th क्लास में जो भी परसेंट रहे हैं को फिल करें, यदि ग्रेड रहा हो तो आप ग्रेड इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसका जो फाइल फॉर्मेट है वो JPG, JPEG, PNG, PDF या फिर डॉक फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका जो फाइल साइज है वो 100 KB से कम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। आपकी 10th क्लास की क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट क्लास की क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको 12th क्लास सिलेक्ट करना है। 12th क्लास आपने कब पास किया है, पासिंग डेट सिलेक्ट करें, पासिंग ईयर सेलेक्ट करें, मंथ सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम इंटर करें। यहाँ पर आपने 12th किस सब्जेक्ट से पास किया है, यहाँ पर सब्जेक्ट इंटर करें। 12th क्लास का ड्यूरेशन क्या रहा है, यहाँ पर ड्यूरेशन इंटर करें। 1 ईयर रहा हो तो 1 ईयर इंटर करें। यहाँ पर 12th क्लास का परसेंटेज इंटर करें और यहाँ पर 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करें। 12th मार्कशीट के लिए भी सेम गाइडलाइन है। यदि आपके पास 12th क्लास के अलावा भी क्वालिफिकेशन है जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप एड न्यू पे क्लिक करके सेम तरीके से आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कम से कम 10th और 12th की डिटेल्स फिल करना है। अब यहाँ पर आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। यदि आपके पास कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है इनमें से तो आप उसे सिलेक्ट करें। यदि आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप नन सिलेक्ट करेंगे। आपने सर्टिफिकेट कब प्राप्त किया है, यहाँ पर डेट सिलेक्ट करना है। आपके कोर्स का ड्यूरेशन कब से कब तक रहा है, यहाँ पर डेट सिलेक्ट करना है। यदि आपके पास कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप यहाँ पर नन सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस इंटर करना है। यहाँ पर आप फर्स्ट लैंग्वेज इंटर करें, आपको जो भी लैंग्वेज आती है उसे इंटर करें। आप हिंदी को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, तीनों में आपको टिक करना है। यहाँ पर आप एक से अधिक लैंग्वेज भी इंटर कर सकते हैं, इसके लिए एड न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पर आप नेक्स्ट लैंग्वेज इंटर करें, जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, हम तीनों में टिक करेंगे। यदि आप और अधिक लैंग्वेज जानते हैं तो आप एड न्यू पे क्लिक करके सेम तरीके से आप फिल कर सकते हैं। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। आपकी एजुकेशनल डिटेल्स भी सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स फिल करना है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन इंटर करना है। इसके बाद डेजिग्नेशन में आपकी क्या पोस्ट रही है उसे इंटर करना है। आपका जॉब नेचर क्या रहा है वो यहाँ पर इंटर करना है। आपने कब ज्वाइन किया है, यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर रिलीविंग डेट सिलेक्ट करना है। आपका टोटल एक्सपीरियंस क्या रहा है, यहाँ पर इंटर करना है और यहाँ पर आपकी लास्ट नेट सैलरी क्या रही है वो यहाँ पर इंटर करना है। यदि आपके पास एक से अधिक एक्सपीरियंस है तो आप एड न्यू पे क्लिक करके एक से अधिक एक्सपीरियंस एड कर सकते हैं। यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर फ्रेशर इंटर करें। डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी एक्सपीरियंस डिटेल्स भी सेव हो चुकी है। अब आपको डिक्लेरेशन देना है। अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल पिक्चर में आपको अपनी फोटो अपलोड करना है। फोटो का जो फाइल फॉर्मेट है वो JPG, JPEG या PNG में होना चाहिए।
और फोटो का जो फाइल साइज है वो 20 KB से कम होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फोटो सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी फोटो अटैच हो चुकी है। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए भी सेम गाइडलाइन है, आप सेम तरीके से सिग्नेचर अपलोड करें। यदि आपके पास NCC सी लेवल सर्टिफिकेट है और आपने डिटेल्स फिल की है तो यहाँ पर आपको NCC सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो PDF या डॉक में होना चाहिए और इसका जो फाइल साइज है वो 2 MB से कम होना चाहिए। यदि आपने NCC सी लेवल की डिटेल्स फिल नहीं की है यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। अब यहाँ पर आपको स्टेशन सिलेक्ट करना है। आप किस लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस लोकेशन को सिलेक्ट करें। डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को टिक करें। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस शो होगी, इसे आपको पे करना है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि आप फॉर्म का प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट आइकॉन पे क्लिक करके इसका प्रिंट ले सकते हैं। फॉर्म की सभी डिटेल्स चेक करने के बाद क्रॉस आइकन पे क्लिक करें। यदि आप कोई भी डिटेल्स को एडिट करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल हैं तो आप सबमिट एंड पे नाउ पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। यदि आप मोबाइल या किसी भी पेमेंट गेटवे के द्वारा फीस पे करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करें और पे करें। यदि आप UPI ID के द्वारा पे करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप नेट बैंकिंग के द्वारा पे करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। आपकी एप्लीकेशन फीस सक्सेसफुल सबमिट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन रिसिप्ट जनरेट होगी, इसे आपको प्रिंट कर लेना है। यदि आप कोई स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं या फीस सबमिट करना चाहते हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ से आपको लॉगिन करना है। इसके बाद आपको सभी स्टेप कंप्लीट करना है। सभी स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर देना है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।